जय हिंद किसान भाइयों, कैसे आप सब। स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल किसान जंक्शन पर। बहुत जरूरी है आज का वीडियो। अगर आप एक पोल्ट्री फार्मर हैं, आज हम दिखाएंगे लाइव आपको। एक बार पहले भी मैं वीडियो बनाई थी लसोटा वैक्सीन के बारे में, आज फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि लसोटा की वैक्सीन हम कैसे करते हैं। सातवें दिन की वैक्सीन मुर्गी पालकों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, लसोटा की, रानी खेत की जिसे हम बोल देते हैं। तो मैं आपको पूरा लाइव प्रोसेस दिखाऊंगा, कैसे वैक्सीन को बनाते हैं, कैसे घोलते हैं, कैसे हम चिक्स को सर्व करते हैं, कितनी देर पहले पानी उठाना है, कितनी देर तक वैक्सीन रखनी है, जो उसके ड्रिंकर फीडर है उनकी व्यवस्था कैसे करनी है। इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हाँ ये जरूर बताएं देश के किस शहर से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास लगभग 7 दिन का आज ये बर्ड हो चुका है। आज ये 8वें दिन का बर्ड है। नीचे से आज हमने इसके पेपर निकाल दिया और बिल्कुल सरफेस देखिए जो है बिल्कुल साफ, यहाँ पर जो है चावल का छिलका निकला है। और इसमें हमारे पास RIR और कड़कनाथ का बर्ड है। आज हम इसकी लसोटा की वैक्सीन करेंगे। आप देख सकते हैं सारा बर्ड फिलहाल बहुत बढ़िया तरीके से घूम रहा है, और साइडों के पर्दे हमने उठाए हुए हैं क्योंकि अभी मौसम ठीक था, थोड़ा सा गर्मी कम थी, और अभी चिक्स के इतने खास टेम्परेचर की ज़रूरत भी नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसकी लसोटा की वैक्सीन कैसे करते हैं। इससे पहले हमने लगभग अभी 2 घंटे हो चुके हैं, हमने इसके पानी के जो ड्रिंकर हैं वो भी उठा दिए हैं। बिल्कुल यहाँ पे हमने 2 घंटे पहले ही फीड और ड्रिंकर उठा दिए थे। उसका कारण यह है कि अगर हम इसको ड्रिंकर और फीडर नहीं उठाएंगे तो ये ठीक से पानी नहीं पिएगा। ये देखिए बहुत शानदार तरीके से देखिए चिक्स तैयार हो रहा है, और आज हम इसकी करने वाले हैं लसोटा की वैक्सीन। इसमें RIR और कड़कनाथ का चिक्स है। नियर अबाउट हमारे पास ये 1000 के आसपास बर्ड है, और 1000 बर्ड की आज हम करेंगे लसोटा की वैक्सीन। तो देखिए जैसे हमने अभी एक ड्रिंकर लिया है, बिल्कुल साफ सुथरा इसे हमने साफ कर लिया है, क्योंकि अब हम इसमें डालने वाले हैं लसोटा की वैक्सीन। कैसे करनी है पूरा प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। इसके लिए हमने सबसे पहले लिया है दूध, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1000 चिक्स के लिए आप जो है लगभग आधा लीटर के आसपास किसी भी कंपनी का या घर का ही आपका गाय का दूध लें। ये बात सुनिश्चित कर लें कि दूध या तो टोंड हो, या फिर इस बात को भी सुनिश्चित कर लें कि दूध में बिल्कुल भी मलाई नहीं होनी चाहिए एटलीस्ट। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये है जो आपकी लसोटा की वैक्सीन है, वेंकिस की है। देखिए 1000 डोज लसोटा स्ट्रेन IP जो लिखा हुआ है इसके ऊपर, देखिए ये ग्रीन कलर के इसमें जो है ये लसोटा है जैसे मैंने पहले आपको दिखाया है, और जो ये ब्राउन कलर के डाट में है ये गम्बोरो की वैक्सीन है, और ये 8वें दिन पर लगती है वैक्सीन, और ये वैक्सीन लगती है लगभग 15वें दिन पर। तो अभी हम इसे फ्रिज में रख देंगे क्योंकि इसका काम हमें जो है लगभग आज से 7 दिन के बाद यूज़ में आएगा। हम शुरुआत करते हैं, जैसे कि बर्तन में हम ये दूध डाल देते हैं। देखिए हमने दूध डाल दिया है बर्तन में, और लगभग 1000 चिक्स के लिए हमने यहाँ पर आधा किलो जो है दूध लिया है। आप ये आधा किलो दूध जो है 1000 चिक्स के लिए पर्याप्त रहेगा। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे दूध। तो जैसा आप देख रहे हैं अभी हमने ये लसोटा का वैक्सीन लिया है, और सबसे पहले हम सेफ तरीके से इसके ऊपर का ये जो है ढक्कन निकालेंगे। देखिए ग्रीन कलर का ये ढक्कन निकाल दिया। कोई भी अवशेष निकलता है इसमें से उसे आपने साइड पर रख देना है ताकि हम उसे इससे फार्म से दूर फेंक सकें। इसके बाद हम इसकी जो है ये ऊपर से इसका सील खोलते हैं। आप देखते हैं ये अल्मोनियम का सील होता है। तो अब इसके ऊपर से हम जो है इसका सिल्वर कलर का देखिए ये जो ढक्कन है इसे रिमूव कर देंगे, और ये रिमूव करने के बाद आप देखेंगे इसमें से जो है एक और डार्ट रबड़ की ये लगी हुई है। अब इस रबड़ की डार्ट को भी हम हटा लेंगे सेफ तरीके से, और इस बात का फिर से आपको बताऊँ सुनिश्चित कर लें जो भी आपके पास ये अवशेष बचेंगे या वो बोतल बचेगी आपने इसे फार्म से दूर ही रखना है। और अब इसमें हम जो है थोड़ा सा हल्का सा पानी मिला लेते हैं। पानी हम इसमें क्यों मिला रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो आप देखते हैं एक पाउडर है, आप देख सकते हैं इसके अंदर एक पाउडर टाइप का कुछ है, और इसे हम घोलने के लिए इसे पानी का यूज़ करें। वैसे इसके साथ डाइल्यूटर भी आता है, आप डाइल्यूटर का भी यूज़ कर सकते हो। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे सिंपली जो है इसे अच्छे से बंद करके इसे हिला देते हैं, और इसके अंदर से जो है ये सारा का सारा जो अभी इसके अंदर लिक्विड है हम पाउडर है हम इसमें बैक्टीरिया देखते हैं इसमें दूध में हम डाल देते हैं। दूध में हमने इसे डाल दिया। इसके बाद एक और चीज़ का हमने खास तौर पर ध्यान रखना है कि हमने इसके अंदर डालना है बर्फ़। बर्फ़ कम से कम भी 5 से 6 किलो बर्फ़ ज़रूर लें। तो जैसे बर्फ़ का इसमें हम इस्तेमाल करते हैं ऐसे क्या रहता है बैक्टीरिया जो है ठंडा रहता है, इसमें जो है बैक्टीरिया मरता नहीं है क्योंकि लाइव बैक्टीरिया है ये जो लसोटा का वैक्सीन है। इसमें बर्फ़ का ज़रूर प्रयोग करें, और बर्फ़ इसके अंदर होना ही चाहिए इस बात को सुनिश्चित कर लें। तो ये बर्फ़ डाल दिया हमने, बर्फ़ कम से कम भी आपने 1000 की डोज में, गर्मी है तो 5 किलो बर्फ़ लेना है, सर्दी के टाइम में आप लगभग 1 किलो बर्फ़ में काम चला सकते हैं। वैसे
पानी ठंडा ही होता है, इसमें हम अच्छे से पानी मिक्स कर देंगे। देखिए हमने इसमें पानी मिक्स कर दिया और अब ये सारा जो है हम इसे लगभग, हमारे पास 1000 चिक्स में 20 ड्रिंकर हैं तो इसमें लगभग 20 गिलास जितना हम पानी बना लेंगे और लगभग 20 लीटर पानी में हम इसे अब देने वाले हैं अपने चिक्स को। तो ये देखिए लसोटा का वैक्सीन तैयार है। तो जैसा कि किसान भाइयों मैंने आपको बताया था कि हमने लगभग लगभग इसकी अभी जो है 2 घंटा पहले पानी उठाया था। देखिए पानी की प्यास अब चूजे को लग रही है। अब हमने इसमें जो है वैक्सीन बनाई थी, वैक्सीन हम इस तरह से जो है डिब्बे में भरकर जो है यहाँ पर दे रहे हैं और चिक्स देखिए कैसे इसके पास पानी की तरफ आ रहा है क्योंकि चूजे को प्यास लग रही थी। अब चूजे को प्यास लग रही तो चूजा पानी नेचुरली पीने आएगा। देखिए अभी हमने ड्रिंकर लगाया है, किस तरह से हम जो है इस तरह से जो चूजा पानी पीकर जा रहा है तो उसके मतलब वैक्सीन पी चुका है। देखिए जहाँ जहाँ पर भी ड्रिंकर जा रहे हैं वहीं पर जो है चिक्स ने पूरा रश लगा दिया, पूरी भीड़ लगा दिया। तो ये हम जो है वैक्सीन सर्व कर रहे हैं अब इसे और ये सारा चिक्स जो है वैक्सीन पीने के लिए तैयार है। देखिए पानी की प्यास लगी थी क्योंकि 2 घंटे पहले ही हमने इसका पानी हटाया था। तो इस तरह से जो है कंप्लीट प्रोसेस है किसान भाइयों, इस तरह से आप अपने चिक्स को जो है लसोटा की वैक्सीन कर सकते हैं। तो किसान भाइयों आप देख सकते हैं ये ड्रिंकर बिल्कुल खाली हो चुका है, चिक्स ने भी जो है पूरी तरह से दवाई जो है वैक्सीन पी ली है, ये ड्रिंकर बिल्कुल खाली हो चुका है। अब हम इस ड्रिंकर को फार्म से बाहर ले जाएंगे और फार्म से बाहर ले जाने के बाद इसे अच्छे से साफ करेंगे, फिर से साफ करने के बाद ही हम जो है दोबारा से ड्रिंकरों का प्रयोग करेंगे। ड्रिंकर साफ करते वक्त आपने एक बात का ध्यान रखना है, कभी भी ड्रिंकर आपने सर्फ या साबुन के साथ साफ नहीं कर रहे, हमेशा जब भी ड्रिंकर साफ करना है आपने ड्रिंकर को सादे पानी के साथ साफ करना है। तो यही एक उसका जो सबसे सही तरीका है। एक और बात का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है, जब भी आपने गर्मी के समय पे खास तौर पे जो पानी का प्रयोग करना है वो टैंकी का पानी प्रयोग नहीं करना क्योंकि टैंकी का पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है। और ये प्रोसेस आपने सुबह अर्ली मॉर्निंग करना है, सुबह जल्दी करना है। एक और तरीका हो सकता है, आप रात को इसके ड्रिंकर उठा सकते हैं लगभग 12 बजे के आसपास और सुबह 5 बजे आप इसकी वैक्सीन कर सकते हैं। तो इस बात को सुनिश्चित कर लें, जब भी आपने पानी देना है पानी गर्म बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैक्सीन करते समय एक और बात का ध्यान रखना है, आपने ड्रिंकर की संख्या आपकी कम होनी चाहिए और पानी भी कम होना चाहिए जिससे थोड़ा जल्दी से चूजा पानी पी ले क्योंकि 1 घंटे के अंदर अंदर ये पानी ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर 1 घंटे के अंदर अंदर पानी ख़त्म हो जाता है तब हम इसको दोबारा से ड्रिंकर्स को साफ करके सादा पानी जो है ताज़ा पानी फिर से चलाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।